and very good evening to every one of you. This is Pankaj Ajite. Here we are with ChatGPT episode number 11. ChatGPT में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक 50 questions, 50 MCQs वी टेक फॉर लास्ट वीक. तो लास्ट एक की वीक की जो बेसिकली जो करंट अफेयर्स इवेंट के ताल्लुक में जो questions होते हैं, तो 50 questions वी टेक. ओके, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑन दिस मेंटी क्विज, दिस गोइंग टू बी सिंपल फॉर्मेट वेर इन वी आस्क क्वेश्चन, आई गिव यू सम टाइम, यू नीड टू आंसर ऑन दोस क्वेश्चंस. And then we take a small discussion on related questions. Okay. So if I am clearly audible and visible to every one of you, we can start today's discussion. Yes, very good evening to every one of you. Yes, confirm kar dijiye. Chaliye. So this is the episode number 11. I am starting with the question number one. The first question is going to be there, and you need to answer. Aur kis tarike answer karenge? You need to answer this way. This is the way, this is the तरीका होगा, ऐसे आपको आंसर करना है. लाउड बोल लेते हैं बेटा. यस यस तनिष, आई एम स्वयं स्पीकिंग लाउडर नाउ. एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन. किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, है ना, किस देश के प्रेसिडेंट हैं. और इन ये न्यूज में इसलिए है कि बिकॉज देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इनफैक्ट सम नहीं, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साउथ चाइना की जैसी में जो कंट्रीज होते हैं और चाइना के जो इन कॉन्फ्लिक्ट है उसके ताल्लुक में देयर इज वन पर्टिकुलर एग्रेशन शोन बाय दिस जेंटलमैन, राइट. तो उस ताल्लुक में क्वेश्चन पूछा गया. तो व्हेन आई टोल्ड यू साउथ चाइना की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल हिंट आपको दी जाती है, दैट सिंपली मीन्स फिलीपींस इज द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट. तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर. अब इनके द्वारा फिलीपींस में, मतलब वहां जो एक स्कार्बो शोल होती है, स्कार्बरो शोल जो होती है, वहां पर चाइना द्वारा एक फेंसिंग कर दी गई थी, उस फेंसिंग को इनके द्वारा हटा दिया गया है ना. तो साउथ चाइना सी का इशू है और ही इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस फिलीपींस. सो दैट गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर होता है. सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन पीएम अपोलोजाइज्ड, मतलब इनमें से चार जो पीएम के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, है ना, एंड दीज जेंटलमैन वर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कैनेडा अर्लियर, है ना. वन इज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, वन इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वॉज फादर ऑफ जस्ट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो. और इनके अलावा द अदर टू नेम्स आर गिवन टू यू. यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा अपोलॉजी दी गई थी, क्षमा याचना दी गई थी रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर दिस इंसिडेंट वेर इन दिस क्रैश हुआ था. कनिष्क फ्लाइट जो होती है, एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी, वहां पर क्रैश हुआ था एंड अराउंड 300+ पीपल डाइड इन दिस क्रैश. तो इन जिसमें से मोस्टली देवर कनेडियंस, बट स्टिल दिस पीएम वेंट ऑन टू गो फॉर द अपोलॉजी. इनके तरफ अपोलोजाइज किया गया था और उसके बाद में इंडिया और कनाडा के रिश्तों में बेहतरी हुई थी, मतलब आर ओवरऑल बिजनेस जो हुआ था दोनों देशों के बीच में वो बेहतर हुआ था. तो विच पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पर हम किस प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, राइट. इट इज रिलेटेड टू वन न्यूज जिसमें द हिंदू में दिस वन आर्टिकल वॉज देयर, वहां से क्वेश्चन लिया गया है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्फर. इनके द्वारा 2010 में, स्टीफन हार्फर द्वारा 2010 में अपोलॉजी दी गई थी रिगार्डिंग दिस वन इंसिडेंट. अब इसमें क्या हुआ था, जो परपेटर्स थे, बेसिकली जो जो कल्प्रिट्स थे, वो कल्प्रिट्स कनाडा को बिलोंग करते थे, उनके द्वारा वहां पर साजिश रची गई थी. खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ना, उससे रिलेटेड ही कल्प्रिट थे, बट उनके द्वारा उस समय अपोलॉजी दी गई. दो देर वर मोर कैनेडियन हु डाइड इन दिस इंसिडेंट, बट स्टिल ही वेंट फॉर दिस अपोलॉजी टू ऑल दी कनिज बॉम्बिंग दिस जो सेपरेट जो सर्वाइवर मतलब जो फैमिलीज थे विक्टिम्स की, उनकी फैमिली से इनके इन, इन, इनके द्वारा क्षमा याचना मांगी गई थी, राइट. तो इस ताल्लुक में दिस वाज ईयर 2010 एंड प्राइम मिनिस्टर वाज स्टीफन हार्फर. क्लियर. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द स्क्रिप्रेल पॉइजनिंग टेक प्लेस, है ना, अनदर इट वाज अगेन इन न्यूज, राइट. तो ये जो न्यूज है इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉइजनिंग एक इंसिडेंट हुआ था, एक इशू हुआ था, उस ताल्लुक में देयर वर टू पीपल डाइड इन दिस पॉइजनिंग. अब ये कहां पर हुआ था, विच पर्टिकुलर, अब इसमें कंट्री इन्वॉल्व जो है ना वो भी दिया गया है, बट आपसे पूछा यह गया है कि इंसिडेंट कहां पर हुआ था, वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन अकर्ड, राइट. स्क्रिप्रल पॉइजनिंग टेक प्लेस. कोड नहीं रे बेटा, वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली, इट्स नॉट अ मेंटी क्विज. यस्टरडे वी हैड अ मेंटी क्विज, सो इफ यू वांट टू पार्ट ऑफ मेंटी क्विज यू नीड टू कम ऑन सेट एवरी ट्यूसडे, वी हैव अ मेंटी क्विज देयर. हियर इन वी आर टेकिंग द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्क्रिप्टल पॉइजनिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना. तो दिस इज रिलेटेड टू, देखिए ये जो पॉइजनिंग हुई थी दैट हैपेंड इन इंग्लैंड, है ना, यूके इंग्लैंड में दिस हैपेंड. और इसमें जो इन्वॉल्व थे, द पर्सन हु डाइड इन दिस, दे वर दीज टू पीपल वर फ्रॉम रशिया एंड दे वर जिसको बोला चाहिए एजेंट थे,
स्पाई इसको बोल सकते हैं। तो स्क्रिपल केस वाज सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन यूके ऑन बिहेस्ट ऑफ रशिया, और इसमें फॉर्मर रशियन मिलिट्री ऑफिसर जो अल्टीमेटली ही वाज लिविंग इन यूके एंड यू नो उनके द्वारा कुछ डिटेल वगैरह रिवील की गई होगी, ही मे बी वर्किंग एज अ स्पाई। तो वहां पर रशिया के बिहेस्ट पर यूके में दीस रशियन मिलिट्री ऑफिसर एंड हिज डॉटर दे वर गिवन पॉइजन, उसको स्क्रिपल केस वहां पर बोला गया था। और उसके बाद में इंग्लैंड द्वारा रशिया के कई सारे जो जो डिप्लोमेट्स थे, रशियन डिप्लोमेट थे, उनको एक्सपेल कर दिया गया था। नॉट ओनली यूके, देर वर अदर कंट्रीज, कई देशों द्वारा उनके जो डिप्लोमेट्स थे उनको वहां से एक्सपेल कर दिया गया था। अराउंड 150 रशियन ऑफिशियल्स वर एक्सपेल्ड, एक्सपल्शन उनका हुआ था फ्रॉम अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब जिसको बोलना चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन यूके, इंग्लैंड, और दिस सर्जेई एंड यूलिया स्क्रिपल जो थे, दीज टू पीपल वर पॉइजन्ड ऑन बेस्ड ऑफ रशिया, राइट। देन वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, हु इज टेरी गो? टेरी गो अपने आप में दिस जेंटलमैन इज गोइंग टू फाइट फॉर द इलेक्शंस, है ना, मतलब ही इज गोइंग टू, मतलब प्रेसिडेंट के लिए बेसिकली ये फाइट कर रहे हैं। सो इसमें बोला गया है, अब इस आपसे पूछा गया है कि ये बेसिकली ही बिलोंग्स टू ताइवान, किस पर्टिकुलर कंपनी के फाउंडर हैं, यहाँ पूछा गया है ना। सो फॉक्सकॉन जो कंपनी होती है जिनके द्वारा आउटसोर्सिंग, मतलब जिनके द्वारा जो वेरियस दिस एप्पल एंड अदर गैजेट्स कंपनी होती है ना, इनके पार्ट बनाए जाते हैं, असेंबली एक तरीके से की जाती है, मतलब दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ बिगर दिस बिग जायंट्स, राइट। तो उसमें इट इज ही फाउंडर ऑफ फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन के फाउंडर है, एंड मे बी इन टाइम टू कम ही इज गोइंग टू बी फाइटिंग एज अ, मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट कैंडिडेट ही आगे जाकर वहां पर होने वाले हैं। तो इधर नाउ बिलियनियर फाउंडर ऑफ फॉक्सकॉन हैज अनाउंस्ड हिज इंटेंट टू रन इन ताइवान 2024 इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। एंड इनका पैरेलल ड्रॉ करने की जब बात करते हैं ना, तो ही इज लाइक जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, डोनाल्ड ट्रम्प वॉज ऑल्सो बिजनेसमैन इन यूएस एंड ही वेंट ऑन टू फाइट द इलेक्शन, ही वेंट ऑन टू विन द इलेक्शन, तो वहीं पहला ड्रॉ किया जा रहा है। एंड ही सेइंग कि आई विल बी कमिंग टू द पावर, विल बी हैविंग गुड रिलेशनशिप विद चाइना, के साथ बेहतर रिलेशनशिप होगी, इकोनॉमी हम बेहतर करेंगे, एंड ऑल दोज वायदे जो किए जाते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ड्रॉइंग पैरेलल विद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इस कैंपेन लीन्स ऑन एक्सटेंसिव बिजनेस एक्सपीरियंस विच ही गॉट, और उसको यह आगे जाकर राजनीति में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ही इज द फाउंडर ऑफ फॉक्सकॉन, है ना। Then coming over to question number 5, what is the notable component of EU AI Act concerning generative AI? Generative AI कौन सा होता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोस जनरेट किए जाते हैं ऑन दी प्रॉम्प्ट बेसिकली। तो जनरेटिव एआई के ताल्लुक में देर आर डिफरेंट लॉज आर बीइंग मेड वर्ल्ड ओवर, एंड इवन इंडिया वी आर गोइंग टू हैव सम। उस ताल्लुक में यहाँ पर ईयू की बात की गई, यूरोपियन यूनियन की बात की गई है, उनका जो एआई एक्ट है, जनरेटिव एआई, उसका बेसिक बड़ा उसका जो एक तरीके से कंपोनेंट है वो यहाँ पूछा गया है कि दे बैन जनरेटिव एआई, दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर जिसको बोलना चाहिए रेगुलेशन, या कि फिर दे आर टॉकिंग अबाउट टैगिंग द एआई जनरेटेड मटेरियल या कॉपीराइटिंग एआई क्रिएटेड वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा फीचर है ईयू एआई एक्ट का, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है टैगिंग द एआई जनरेटेड कंटेंट, मतलब जो स्पेसिफिकली एआई जनरेटेड होगा ना, उसको वहां पर टैग कर दिया जाएगा, मतलब वहां पर उसको अलग कर दिया जाएगा और डिनोट कर दिया जाएगा कि दिस कंटेंट हैज बीन टैग, मतलब जनरेटेड बाय एआई, उसको स्पेसिफाई करना बोला गया है इसे, राइट। सो एयू एक्ट एम्फसाइजेस ट्रांसपेरेंसी इन द रिलीम ऑफ जनरेटिव एआई, वन ऑफ द प्रोविजंस मैंडेटेड दैट एनी मटेरियल प्रोड्यूस यूजिंग जनरेटिव एआई, तो उसमें उसको टैग करना होगा, सिग्नल देना होगा, मतलब कंफर्म करना होगा इसका ओरिजिन, इट्स ह्यूमन जनरेटेड और एआई जनरेटेड। तो वहां वो क्या बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बैन इट, बट देन वी आर गोइंग टू टैग इट। तो वंस इट इज यू नो इट्स टैग, तो वहां पर क्लैरिटी हो जाएगी कि इट्स ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, ये एआई जनरेटेड या उसको सपोर्ट लेकर के इसको बनाया गया। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर, टैगिंग एआई जनरेटेड अंडर ईयू एआई एक्ट। ये स्पष्ट हुआ? देन वी कम टू अदर देन इंडिया, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज एक्यूज कनाडा ऑफ हार्बरिंग क्रिमिनल्स। देखिए हमारे द्वारा क्या बोला जाता है, वी आर सेइंग कनाडा इज हार्बरिंग क्रिमिनल्स, कनाडा इज हार्बरिंग द टेररिस्ट,
जो हमारे यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है, खालिस्तान मूवमेंट की जो बात करते हैं, ये वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को वहाँ पर पनाह दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, वहाँ पोलिटिकल सपोर्ट दिया जाता है, ओपनली सपोर्ट दिया जाता है, उसके ताल्लुक में इंडिया इज ऑलरेडी अक्यूज करना। तो यहाँ पर भारत के अलावा किसने अक्यूज किया है? भारत के अलावा यहाँ ऑप्शन आपको चाइना, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया दिए गए, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी बांग्लादेश ओनली। बांग्लादेश इज टोल्ड कि दीज कैनेडियंस आर इवन गिविंग शेल्टर टू पीपल फ्रॉम, मतलब द क्रिमिनल्स फ्रॉम बांग्लादेश। वहां पर जो उनके जिस प्रेसिडेंट जो थे, है ना, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या में शामिल लोगों को पनाह दी गई है कनाडा द्वारा। कनाडा इज सच ए कंट्री गिविंग शेल्टर टू क्रिमिनल्स फ्रॉम वेरियस नेशंस, राइट? किलर ऑफ मुजीबुर रहमान, यस। तो मुजीबुर रहमान के किलर्स को यहाँ पनाह दी गई है। तो दे आर ऑल्सो एक्यूजिंग दिस कनाडा ऑफ गिविंग शेल्टर टू दिस क्रिमिनल्स देयर, राइट? तो ये हमारा आंसर जो है वो बांग्लादेश आना चाहिए। दे अक्यूज कनाडा ऑफ हार्बरिंग क्रिमिनल्स एंटरिंग ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया कनाडा। इसके पहले वो श्रीलंका द्वारा उन पर आरोप लगाया जा चुका है। तो दिस सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेशन कनाडा इज गिविंग शेल्टर टू सो मेनी क्रिमिनल्स, एंड नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम बांग्लादेश एंड दीज नेशंस, राइट? Then coming over to question number 7 says, how long does the Japanese government is planning to release the treated water, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011 में जो हुआ था, उससे जो उसका कलेक्टेड वाटर है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर में जो पानी वहां जमा हुआ था जो कि मेरी सॉरी कंटेमिनेटेड वाटर जिसको बोलते थे, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसे समुद्र में प्रवाह किया जा रहा है। इट इज बीइंग जिसको बोलना चाहिए रिलीज्ड इन द सी ओनली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये कितने वर्षों तक द प्रोसेस विल गो ऑन, ये जो प्रोसेस है ना रिलीज करने की प्रोसेस कितने वर्षों तक चलने वाली, फॉर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू रिलीज द वाटर इन सी, कितने वर्षों तक। तो सेवन का यहाँ पे आंसर यस 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 सी। अब अगर आपका आंसर है तनिष्क तो इट इज करेक्ट, यस तुम्हारा यू आर करेक्ट, मंगल यू आर करेक्ट, तनिष्क यू आर करेक्ट। फॉर 30 ईयर्स दिस वाटर इज गोइंग टू बी रिलीज इन सी, है ना। जापानीज गवर्नमेंट इज अनवील्ड प्लान्स टू ग्रेजुअली रिलीज ओवर 1 मिलियन टन ऑफ ट्रीटेड वाटर फ्रॉम फुकुशिमा साइट इन टू सी ओवर 30 ईयर्स। 30 साल तक ये प्रवाह होगा, 30 साल दिस इज गोइंग टू बी फ्लोन, एंड दिस इज मतलब कितना ज्यादा, हाउ मच द अमाउंट ऑफ वाटर इट इज देयर। और इसीलिए कहा जा रहा था कि वहां पर उनके पास में दे कुड नॉट स्टोरेज इट, तो स्टोरिंग वॉज अ प्रॉब्लम। तो नाउ आफ्टर दीज मेनी ईयर्स, 2011 में इशू हुआ था, 2023 में दे आर गोइंग टू फ्लो इट, एंड इट इज गोइंग टू टेक अनदर 30 ईयर्स। वो 30 साल तक स्लोली स्पीडली दे आर गोइंग टू फ्लो इट इन टू द सी, राइट? यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 30 ईयर्स आना चाहिए। इन दिस कंप्लीट दिस डिस्कशन वी हैव हैड इन आवर डेली डिस्कशन, विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स अ ग्रुप, बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल जो प्रैक्टिस होती है दिस एआई के ताल्लुक में, उसको शेयर किया जाता है, या अपने आप में इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया। इसमें इस साल चेयर कौन है, राइट? देखिए इस साल इंडिया इज चेयर फॉर मेनी मेनी ग्रुप्स, वी आर चेयर फॉर G20, वी वर फॉर दिस अपना शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ऑल्सो चेयर फॉर दिस दिस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो GAPI जिसको कहा जाता है, या जिसको जीपे प्रोनाउंस किया जाता है ना, तो जीपे प्रोनाउंस करते हैं इसको। इंडिया इज करंट चेयर ऑफ जीपे, एंड इट वॉज लॉन्च इन जून 2020, मतलब अभी लॉन्च हुआ, ऑब्वियसली अभी हम लोग AI की बात ही अभी कुछ सालों से कर रहे हैं। तो जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इट्स एम इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च बाय फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर भारत इसका हेड है। यस माही, वेल विल ट्राई टू डू दैट। यस यस्टरडे लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड द सेम थिंग, इफ पॉसिबल इन टाइम टू कम वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द ग्राफिक्स इन ऑल दोस यू नो पिक्चर्स एंड ऑल इज हियर टू मेक इट मोर यू नो या आई डू दैट, श्योर। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, है ना, अब्राहम अकॉर्ड का कौन सा देश हिस्सा नहीं है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था, इट वॉज साइन बिटवीन द नेशंस इन मिडिल ईस्ट, है ना। तो यहाँ पर साइन किया गया था, कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर जो नाम दिए जाते हैं बेसिकली, इट वॉज यूएई इजराइल जो है, दिस टू मतलब इन दोनों के बीच में साइन किया गया था, राइट? इनके इन दोनों के बीच में, उसके बाद में ओवरऑल दिस ट्रेड जिसको मतलब बेहतर हुआ है ना, बिजनेस बेहतर हुआ है। बट हियर इन मोरक्को, सूडान, बहरीन ने बाद में मतलब दे ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट, मोरक्को, बहरीन, मोरक्को, सूडान, बट इजिप्ट इसका हिस्सा नहीं। तो इजिप्ट शुड बी द आंसर हियर, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, इजिप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। अदर्स आर बेसिक जो है, देखिए इसमें यूएस ने इसको एक तरीके से ब्रोकर किया था, साइन करवाया गया था बाय डोनाल्ड ट्रंप, एंड डोनाल्ड ट्रंप ब्रोकर्ड दिस पीस ट्रीटी बेसिकली, और दिस बिजनेस ट्रीटी ऐसा मान के चले।
एंड देन यूएई एंड इसराइल वर टू मेन पार्टिसिपेंट, इन दोनों के बीच में करवाई गई थी एक तरीके से. बट हियर इन लेटर ऑन इट वॉज, मतलब उसके बाद में ही बहरीन, मोरक्को, सूडान जो है इसमें शामिल हुए हैं, बट इजिप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अब्राहम अकॉर्ड, राइट. देन व्हेन वाज द सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब बनाया गया था? सीएसटीओ जो है ना, इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस नागोर्नो कारबाख इशू, जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो इशू चल रहा है. एनीवे उसमें आर्मेनिया हैज लॉस्ट, अजरबैजान हैज कैप्चर्ड दिस नागोर्नो कारबाख एरिया, उसके ताल्लुक में सीएसटीओ वाज इन देयर. सीएसटीओ जो है अपने आप में रशिया की लीडरशिप में ग्रुप बनाया गया, वेरिन रशिया दिस उसको बोला जिस साइंड अ डील विद वेरियस नेशंस वेरिन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ नीड, जैसे कि नेटो वहां पर यूएस की लीडरशिप में होता है. तो सीएसटीओ इज ऑल्सो देयर, बट सीएसटीओ इस बार काम नहीं कर पाए क्योंकि रशिया वॉज बिजी विद द यूक्रेन वॉर. तो कब इसकी स्थापना की गई थी, विच ईयर इट वॉज एस्टेब्लिश? देखिए 1991 के बाद में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो जो उसके रशिया से निकले देश थे, अल्टीमेटली रशियन जो इसको मतलब चीफ रिपब्लिक जो वहां से थे, दे वेंट ऑन टू क्रिएट सीएसटीओ. इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया. तो इनिशियली इट वाज रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे वर ऑल ऑल पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, है ना. और उसके बाद में इसमें दूसरे देशों ने भी ज्वाइन किया था. लेटर ऑन ओनली सिक्स नेशंस वर लेफ्ट. तो इसके बाद में द सिक्स ऑफ द नाइन कंट्रीज रिन्यू द ट्रीटी, बट देन थ्री डिड नॉट लीव. तो अजरबैजान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान चूज नॉट टू रिव्यू द ट्रीटी. नौ में से जिसको बोलना चाहिए तीन जा चुके थे, बाकी छह जो बचे थे उसमें अजरबैजान वॉज पार्ट ऑफ जिसको बोलना चाहिए इट वॉज क्लोज टू टर्की, एंड देन आर्मेनिया वॉज पार्ट ऑफ सीएसटीओ. तो फॉर द टाइम रशिया वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, देन सीएसटीओ डिड वर्क, एंड देन आर्मेनिया डिड सर्वाइव विद दिस सेपरेटेड पार्ट ऑफ इट, जिसको बोलना चाहिए नागोर्नो कारबाख के साथ में सर्वाइव करता रहा. बट देन व्हेन रशिया इज नो बिजी विद द यूक्रेन वॉर, नाउ सीएसटीओ डिड वर्क एंड दे आर अल्टीमेटली दे लॉस्ट दिस टेरिटरी. नाउ जो नागोर्नो कारबाख इज नो मोर देयर, मतलब वो जो उसका एग्जिस्टेंस एक तरीके से अब खत्म हो चुका है. तो सीएसटीओ वाज अर्लियर देयर और 1992 में इसको साइन किया गया. सक्सेशन वॉज अ टीवी सीरीज बेस्ड ऑन द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, किस पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है. इंटरनल डायनामिक्स मतलब जो ओवरऑल स्थितियां होती है जो परिवारों में, जो बिग जिसको होना चाहिए बड़ी फैमिलीज इन टर्म्स ऑफ दिस बिजनेस जायंट की हम बात करते हैं. सो किस परिवार से रिलेटेड है, विच फेमस बिजनेस फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना. सक्सेशन वॉज दिस सीरीज, और न्यूज में इसलिए है कि दिस द हेड ऑफ दिस फैमिली, इसको बोलना चाहिए पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, ही इज गोइंग टू स्टेप डाउन. ही हैज स्टेप डाउन एंड हिज सन इज गोइंग टू बिकम द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस एम्पायर. तो किस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्डोक फैमिली, रूपर्ट मर्डोक, जिनके द्वारा बहुत पहले दिस बिजनेस एम्पायर अपना स्टार्ट किया गया. ही स्टार्टेड फ्रॉम द एडिलेड, है ना, और उनके द्वारा इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट किया गया. तो रूपर्ट मर्डोक जो है सीजन मीडिया टाइकून या इसका टाइटन कहा जाता है, 92 ईयर्स ऑफ एज. तो ही इज स्टेपिंग डाउन एंड हिज सन इज गोइंग टू बिकम द हेड, राइट. तो उनकी जो फैमिली में जो ओवरऑल जो ट्रांजिशन है, इसको बोला जो इंटरनल डायनामिक्स है, उस पर सक्सेशन वॉज वन दिस टीवी सीरियल, उनकी फैमिली पर ही टीवी सीरियल बना गया था, राइट. यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्डोक फैमिली एंड द सक्सेशन वॉज द टीवी सीरियल बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इशूज इंटीग्रेट, जिसको कहा जा रहा है, ऑफ दिस मीडिया डायनेस्टी, राइट. तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए मर्डोक फैमिली, बी शुड बी द करेक्ट आंसर. When was the agreement signed between Tibet and China in 19? What was the agreement? Sorry, क्या नाम दिया गया था? 1951 में इसको साइन किया गया था, राइट. बट इसका नाम क्या दिया गया था? Which of the following is the correct name of the agreement signed between Tibet and China in year 1950? देखिए, चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उसे एनेक्स को बना चाहिए ना, उसको अपना बना लिया. उसके बाद में कजोल किया गया एक तरीके से वहां के जो लीडर्स थे उनको साइन करने के ऑन दिस अग्रीमेंट, है ना. सो दिस अग्रीमेंट is called 17 point agreement. क्या बोलते हैं इसको? 17 point agreement कहा जाता है. 1951 में इसको साइन किया गया था, 1950 में annexation उसका स्टार्ट हुआ था. एंड देवर कोएक्स कजोल्ड, मतलब जिनको ना बहला फुसला करके साइन करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको ये वो बोला था, कोएक्स एंड कजोल्ड टू साइन दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट. 17 point agreement साइन किया गया. उसके बाद में नाउ फ्रॉम देन ऑनवर्ड तिब्बत इज बिकम द पार्ट ऑफ चाइना ओनली. हैड तिब्बत बीन देयर, चाइना वुड नॉट हैव बीन आवर नेबर, एटलीस्ट सो नेगिंग अ नेबर. But now then Tibet was annexed by China in 1950s and this 17 point agreement was signed. Koeg मतलब उनको बेला फुसला एक तरीके से साइन कराया गया था. उसके बाद में वहां पर एक दिस क्या बोलना चाहिए, वहां पर दिस वन पर्टिकुलर रेबेलियन वॉज ऑल्सो देयर इन 1959, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल. उसका दमन कर दिया गया था चाइना द्वारा, राइट. तो यहाँ पर हम बात करें तो 17 point agreement was signed by China and Tibet in China in 1951. Which agency raised concern about the reliability of the biometric technologies in humid climates, particularly in the context of India's Aadhaar program?
ना, जो आधार कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा आईडी सिस्टम बेसिकली जो हमारे यहाँ सक्सेसफुल है, जिसके थ्रू हम लोग कई सारे दूसरे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उस पर एक पर्टिकुलर एजेंसी द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, कुछ कंसर्न रेज किया गया था कि दिस कंप्लीट सिस्टम इन दिस हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर ऑफ इंडिया इट इज नॉट वर्किंग वेल, इट इज गिविंग, उसके लिए कंसर्न व्यक्त किया गया। तो इस पर्टिकुलर कंसर्न दिस एजेंसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्राइसिल, मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दीज आर दी फोर कंपनी जिसको दिस बताया गया है यहाँ पर, है ना। किसने कंसर्न रेज किया, विच एजेंसी हैज रेज द कंसर्न? तो हियर इन ना, यहाँ पर मूडीज द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई थी। मूडीज जो होता है, ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी कंपनीज को और इवन देशों को, इनके द्वारा रेटिंग दी जाती है। रेटिंग का मतलब होता है कि हाउ, व्हाट क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि हाउ वेल यू, मतलब हाउ एबल यू आर टू रिटर्न द लोन व्हिच विल बी गिवन टू यू। तो रेटिंग के आधार पर लोन दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट सेट किए जाते हैं, रेटिंग अपने आप में मायने रखती है। तो उनके द्वारा रेटिंग के अलावा भी रिपोर्ट्स वगैरह रिलीज की जाती है। तो रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की, उसमें इनके द्वारा बोला गया है कि जो आधार सिस्टम हमारा होता है, दैट इज गॉट सम इश्यूज, उस कंसर्न उसमें होते हैं। तो बोला गया है कि दैट इज नॉट रिलायबल इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। तो उसमें जो हमारे डेटा होता है, पर्सनल डेटा जो होता है, दैट कैन बी रिवील्ड, वो उस पर इशू हो सकते हैं। दूसरा इनके द्वारा बोला गया है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम यूज किया था, इसमें आयरिस एंड दिस थंब इंप्रेशन यूज करते हैं, इन हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर ऑफ इंडिया इट मे नॉट वर्क। तो उनके द्वारा कंसर्न जो है इसके ताल्लुक में रेस किया गया। तो मूडीज की हम लोग बात करें, क्या गवर्नमेंट द्वारा उसको रिफ्यूट किया गया, गवर्नमेंट द्वारा उसको डिनाई किया गया कि दीज इशूज दे आर नॉट इट ऑल अवेयर ऑफ हाउ दिस थिंग्स वर्क, जो अभी आप बोल रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। तो वॉट डू द पर्सनैलिटी राइट्स इन कंपास, पर्सनैलिटी राइट क्या दिखा, क्या दर्शाते हैं? पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड? कॉपीराइटेड वर्क्स ऑफ सेलिब्रिटीज, बर्थ रिकॉर्ड्स ऑफ सेलिब्रिटीज, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेलिब्रिटीज आइडेंटिटी, या सेलिब्रिटीज लिस्ट ऑफ अचीवमेंट? दिस वाज रिलेटेड टू वन जजमेंट व्हिच वाज गिवन बाय दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग द रिगार्डिंग वन दिस पिटीशन बाय अनिल कपूर। तो अनिल कपूर द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसमें उनकी जो ओवरऑल जिसको मैनरिज्म जो होते हैं, उनके जो ओवरऑल स्टाइल वगैरह होती है, उसको वहां पर बोला गया है कि दैट इज पर्टिकुलर टू हिम ओनली, इट शुड नॉट बी रिप्लिकेटेड, स्पेसिफिकली सम डायलॉग्स व्हिच इज स्पोकन बाय हिम ओनली, द वे ही स्पीक्स। तो यहाँ पर व्हाट डू पर्सनालिटी राइट एनकंपास, तो क्या दर्शाता है, क्या रिलेटेड है यहाँ पर? तो हियर इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज आइडेंटिटी, मैनरिज्म जो उनके होते हैं, जो यूनिक होता है, उसको रिप्लीकेट नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो पर्सनल राइट्स रेफर टू यूनिक एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ सेलिब्रिटीज आइडेंटिटी, सच इज देयर नेम, देयर वॉइस, सिग्नेचर, इमेज, मैनरिज्म्स, उसको यहाँ पर बुलाया गया, इट इट कैन नॉट बी कॉपीड, दे आर स्पेसिफिकली यू नो रिलेटेड टू दोज ओनली। तो यहाँ पर जो अपने उसेन बोल्ट का देखो, तो बोल्टिंग पोज जो उनका स्पेशली कुछ स्पेशल होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, उसको ही यहाँ पर पर्सनैलिटी राइट्स कहा जाता है ना, एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी विच इज ट्रेडमार्क अंडर पर्सनैलिटी राइट्स। और कई तरीके से कई सेलिब्रिटीज द्वारा ये स्पेसिफिक ये राइट जो है ना, वो क्लेम किए जाते हैं। तो यार इन दिस केस वॉज रिलेटेड टू अनिल कपूर, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 15, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, दिस इज अ मूवी है ना, विच हैज बीन चूजन एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर अवार्ड, 96 एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है, जो जिसके लिए नॉमिनेशन हर साल ऑफिशियल एंट्री भेजी जाती है। तो छेलो शो जिसे पिछली बार गुजराती मूवी थी जिसे भेजा गया था, है ना, लगान भेजी गई है इसके पहले, मदर इंडिया भेजी गई थी ऑन दिस, सलाम बॉम्बे वॉज द मूवी। तो लगान, सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया तो नॉमिनेशन स्टेज तक वहां पर भी पहुंचे थे, बट बाकी मूवीज की हम बात करते हैं, तो दिस इज दिस ईयर्स मूवी विच हैज बीन सेंट, आपसे पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज की मूवी है? हाँ, किस, नाइट मैनेजर, यस, यू मस्ट हैव सीन इट, आई डिडंट गेट टाइम बट आई विल वॉच इट। किस पर्टिकुलर जिसको बोलना चाहिए लैंग्वेज की मूवी है जिसको हम भेजेंगे ना, 2018, तो 2018 इज अ मलयालम मूवी है ना, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ मलयालम मूवी, चौथी मलयालम मूवी है जिसे भेजा जा रहा है। एंड दिस वाज रिलेटेड टू वन दिस फ्लड व्हिच केम इन केरला इन 2018, तो उस फ्लड से रिलेटेड जो ओवरऑल स्थिति वहां रही, उससे ताल्लुक में मूवी बनाई गई है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो इज बीन चूजन एज दिस ईयर इंडियाज दिस ईयर ऑफिशियल एंट्री फॉर बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी, तो इसको इस बार हमारे द्वारा भेजा गया है, क्लियर? पर आंसर यहाँ पर इट शुड बी मलयालम ओनली होना चाहिए, क्लियर? जो फ्लड आया था, फ्लड दैट हिट केरला इन 2018, उस बेस पर इस मूवी को बनाया गया है। देन कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 16, वहीदा रहमान विल बी अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, है ना, अभी अनाउंस किया गया है कि उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। अब वन सिंपल क्वेश्चन इज, किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है? अभी अनाउंस किया गया 2013 में, बट सिंपल क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ओवर हियर, फॉर विच ईयर दिस अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली? इसके पहले इट वॉज आशा पारिक को दिया गया था, शी वॉज गिवन लास्ट ईयर, दिस जो अनाउंसमेंट के पहले की बात करें,
उसके पहले इट वॉज गिवन टू रजनीकांत, उनके पहले इट वॉज गिवन टू अमिताभ बच्चन. तो यहाँ बोला गया किस पर्टिकुलर वर्ष के लिए दिस अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये सिंपल सी बात, मतलब ये अगर आता है तो ये स्पेसिफिक हमको मालूम होना चाहिए कि 2023 अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड, अभी अनाउंस किए गए हैं, किस वर्ष के लिए किए गए हैं. फॉर ईयर 2021 दे हैव बीन अनाउंस, है ना, 2021 के लिए अनाउंस किए गए हैं. याद रख लीजिए 2021 वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट 2022, नॉट एट ऑल. 2022-23 के लिए तो अगले 2 साल में आप देखेंगे. तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको बोलना चाहिए लैग रहता है, या उसको जो प्रोसेस का हिस्सा बोला जाए, 2021 शुड बी द आंसर. 2020 के लिए इट वॉज गिवन, द अवार्ड वॉज गिवन टू आशा पारे. 2019 के लिए रजनीकांत, 2018 के लिए अमिताभ बच्चन, राइट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 2021 होना चाहिए. 1969 में दिस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई थी. द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन टू देविका रानी 1969, दादा साहब फाल्के, है ना. सो पहला अवार्ड जो है वो देविका रानी को दिया गया. दादा साहब फाल्के को जनक कहा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा उन्हें कहा जाता है. उनके द्वारा पहली मूवी जो राजा हरिश्चंद्र जो है 1913 में लाई गई थी. तो ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और उनके नाम पर अवार्ड जो है 1969 में स्टार्ट किए गए थे. देविका रानी को दिया गया था पहला अवार्ड, उसके बाद में बड़ी हस्तियों को अवार्ड दिया चुका है, सत्यजीत रे, गुलजार, है ना. अभी लेटेस्ट हम देखें तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इवन विनोद खन्ना, मनोज कुमार, शशि कपूर, इन लोगों को अवार्ड दिए गए. तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जो पूरे जीवन भर का जो उनके द्वारा जो काम किया गया, जो कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा दिया गया इन टर्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा, उसके लिए अवार्ड दिया था. तो नाउ राइटली, मतलब उसमें जो आर्टिकल पढ़े ना जो दिया गया, तो इंडियन गवर्नमेंट वोकन अप एंड नाउ दे आर गिविंग द अवार्ड टू वहीदा रहमान, वेरी मच डिजर्विंग, राइट. तो उनको इस बार का अवार्ड दिया गया है. तो इट इज 2020 इस बार, मतलब जो अभी डिक्लेयर किया गया, तो 2021 की हम बात कर रहे हैं, राइट. देन वॉज अवार्डेड 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, किनको दिया गया है इस बार का अवार्ड, किनको डिक्लेयर किया गया, हु विल बी अवार्डेड विद दिस अवार्ड, है ना. ऑल दीज क्वेश्चन ओके बन रहे हैं, दिस लास्ट वीक्स क्वेश्चन ओनली, यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एबल टू आंसर. विच अवार्ड, विच पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जैंग, रुइजियांग जैंग जो है, इन्हें इस बार का रामानुजन प्राइज दिया गया है. 2023 रामानुजन प्राइज हैज बीन गिवन टू दिस मिस्टर जैंग, है ना. और ये जो अवार्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ तंजावुर जो है वो, वहां से अवार्ड जो है वो हर साल रिलीज किए जाते हैं. तो वो बडिंग मैथमेटिशियन अवार्ड्स आर गिवन, है ना. पहली बार 2005 में अवार्ड्स की घोषणा की गई थी. तो यहाँ पर हमारा आंसर पहला होना चाहिए. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 18, हुज डेथ एनिवर्सरी इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड रेबीज डे, किनके डेथ एनिवर्सरी को वर्ल्ड रेबीज डे की तरह मनाया जाता है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, हुज डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व या मार्क्ड एज द वर्ल्ड रेबिस डे, किस किस दिन से ऑब्जर्व किया जाता है, या दिन नहीं पूछा, सॉरी, दिस इज किसकी डेथ एनिवर्सरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं. दिन तो होता है 28th of September, लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक में से होगा. 28 सितंबर को होता है वर्ल्ड रेबिस डे, ना. रेबिस बीमारी होती है डॉग बाइट से, बैट्स के काटने से होती है. किस दिन जो होता है 28th of September, किस पर्टिकुलर दिस जेंटलमैन जिनकी डेथ एनिवर्सरी पे हम बात करते हैं, तो इट इज क्या बोलना चाहिए, लुई पाश्चर, पाश्चराइजेशन वाले जो है ना, उनके द्वारा पहली बार इसकी वैक्सीन इजाद की गई थी. तो उनके ताल्लुक में बोला जाता है कि इट वाज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुई पाश्चर, फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हु डेवलप द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन. तो दिस 20 सितंबर उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे ग्लोबली, क्लियर. सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा. देन कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे, है ना. वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस अगर उसको हिंदी में कहें तो, मनाया जाता है 29th of September को. 29 सितंबर को होता है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे. आपसे पूछा गया है इसकी इस बार की थीम क्या रखी गई है, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर, इसको बोलना चाहिए डे, डे की थीम क्या है इस बार. चलिए ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन. चलिए वर्ल्ड हार्ट डे,
29th of September every year, and theme is Use Heart, No Heart. इसलिए थीम वॉज यूज हार्ट नो हार्ट, मतलब यू शुड नो योर हार्ट बेसिकली, राइट? तो उस ताल्लुक में यू शुड नो अबाउट द इश्यूज जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिससे बीमारियां हो सकती हैं, उस ताल्लुक में यू शुड द अवेयरनेस की जो बात करें, सो दैट इज दिस डे होता है 29 सितंबर, स्टार्टेड बाय वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, WHO के द्वारा मिल करके अवार्ड जो है वो दिन जो है वो घोषित किया गया था. यूज हार्ट नो हार्ट इज दिस डेज दिस दिस ईयर्स थीम. कमिंग अवर टू क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर, रीड इट केयरफुली. यू मे बी एबल टू, मतलब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट रीड इट केयरफुली देन कम डाउन टू आंसर, डोंट जस्ट आंसर इन द हेस्ट. एंड आई रिकमेंड, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप सोच समझ के आंसर करिए, फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच यहाँ किया गया है. नेशनल टूरिज्म डे, इंटरनेशनल टूरिज्म डे, दीज टू डेज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. इसमें आपको कंफर्म करना है कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या बोथ आर नॉट एट ऑल करेक्ट. नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बोथ ऑफ दीज भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है. यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे की बात की गई है ना. डी डी इज द करेक्ट आंसर. यस, वेरी गुड. इतना इतना आगाह कर दिया जाए ना, व्हेन व्हेन सो मच ऑफ वार्निंग इज देयर, तो यू मस्ट बी, इट्स अ डी होगा. नन ऑफ दीज, अब इतना बोल रहे हैं तो समझ लीजिए क्यों नन ऑफ दीज बोला गया. नेशनल टूरिज्म डे जो होता है ना, वो होता है 25th of January, इट्स नॉट 27. केवल यही अंतर था. नेशनल टूरिज्म डे जो होता है वो होता है 27th of September. क्लियर? तो दिस वॉज द ओनली ट्विस्ट हियर. इट वॉज दोनों, आपको फर्स्ट लुक में आपको दोनों ही सही लगेंगे, राइट? बट द करेक्ट आंसर हियर शुड बी डी ओनली. क्यों? क्योंकि ये 25th जनवरी जो होता है वो होता है नेशनल टूरिज्म डे एज वेल एज नेशनल वोटर्स डे. नेशनल टूरिज्म डे एज वेल एज नेशनल वोटर्स डे, दैट इज 25th of January. एंड 27 सितंबर होता है इंटरनेशनल टूरिज्म डे जो अभी गया है, राइट? तो इट शुड बी 25th of January एंड 27th of September. यहां पर इसको क्रॉस कनेक्शन कर दिया गया था. बी वेरी क्लियर, दैट इज आई एम सेइंग, इसको बड़ा सोच समझ के आपको आंसर करना है. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज यहाँ पर शुड बी 25th of January इज नेशनल टूरिज्म डे या नेशनल वोटर्स डे भी होता है, और 27th of September होना चाहिए. तो इट शुड बी क्रॉस कनेक्ट यहाँ किया गया है, इसलिए डी शुड बी द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर दिस वेपन्स इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, किस दिन मनाया जाता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑब्जर्व ऑन 26th of September. 26 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज ऑब्जर्व. क्वेश्चन नंबर 22 सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा बार ट्रांसलेट किया गया डॉक्यूमेंट इसमें से कौन सा है? विच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? देखिए, ध्यान रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द बुक. तो प्लीज बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन या बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन व्हेन दे आर आस्क एग्जामिनेशन, बी वेरी क्लियर व्हाट इज एग्जैक्टली बीइंग आस्क्ड, राइट? सो हियर वी आर आस्किंग द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट दुनिया का कौन सा होता है, राइट? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? क्यों पूछा गया है? क्योंकि अब जब हम लोग 28-29 डिस्कस कर लिया, 30 सितंबर जो होता है दैट इज द वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे. 30 सितंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे होता है, उस ताल्लुक में दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना, 10th दिसंबर 1948 जो डे होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे जो होता है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट होता है. एंड दैट इज द रीजन जो है ये जो ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है. और इसके बाद हम बात करें तो बाइबल जो होती है वो मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक होती है. हाँ, तो दैट इज द रीजन दिस शुड नॉट बी आंसर, ये आपका आंसर नहीं होगा. बुक पूछे तो ये आंसर होगा, अगर आपसे डॉक्यूमेंट पूछा गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट शुड बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. इन डे इज सेप्टेंबर 30th, 30 सेप्टेंबर वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ ताइवान फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन? ताइवान इज ऑलवेज अंडर थ्रेट फ्रॉम चाइना. और जब भी कोई ऐसा गतिविधि होती है तो चाइना द्वारा ताइवान पर कुछ ना कुछ ना इस तरीके से दर्शाया जाता है, हमला तो नहीं किया जाता है बट एक तरीके से वहां पर डराया धमकाया जाता है. उस ताल्लुक में ताइवान हैज वेंट ऑन टू मेक देयर ओन डोमेस्टिकली इंडिजियसली मेड सबमरीन, जो पनडुब्बी जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा तैयार की गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन दे हो डेवलप फॉर देमसेल्फ.
विच पर्टिकुलर नेम इज गिवन टू सबमरीन? तो हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट, यस, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हाइकून इज द नेम ऑफ द सबमरीन उसको दिया गया है. हैज बीन लॉन्ग कंसर्न अबाउट थ्रेट ऑफ पॉसिबल चाइनीज अटैक गिवन टू साइड्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल राइवलरी बिकॉज चाइना बिलीव्स ताइवान इज द पार्ट ऑफ द चाइना, ताइवान इज द प्रोविंस ऑफ चाइना, राइट? तो ताइवान पर हमेशा थ्रेट होता है. तो पहली बात, ताइवान द्वारा खुद डोमेस्टिकली मेड सबमरीन तैयार की गई है. नेम हैज बीन गिवन एज हाइकून इज द नेम गिवन टू सबमरीन, एंड इसको 2025 तक कमीशन कर लिया जाएगा. आफ्टर ट्रायल्स एंड एवरीथिंग इट विल बी कमीशन बाय ईयर 2025. स्वावलंबन 2.0 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? इससे रिलेटेड है. या ऑल द नेम्स आर वेरी मच सिमिलर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस. इसलिए हमको व्हेन वी नो देम वेरी क्लैरिटी, मतलब विद लॉट ऑफ क्लैरिटी कि हाँ ये सही आंसर है, देन ओनली वी कैन गो फॉर इट. यहाँ पर वो बोला गया है स्वावलंबन 2. हाँ, इस क्वेश्चन के ताल्लुक में देखें तो किससे रिलेटेड है स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ सफिशियंट, राइट? किससे रिलेटेड, राइट? इट इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी. दिस स्वावलंबन 2.0 इसका कंप्लीट, मतलब इस तरीके से रोड मैप जो होता है ना, वो उनके द्वारा इट इज गोइंग टू बी रिलीज, मतलब इस वीक एक तरीके से रिलीज किया जाएगा इंडियन नेवी द्वारा, है ना? दिस इज 2.0 वे डॉक्यूमेंट. 2.1 हैज ऑलरेडी बीन देयर एंड दैट हैज बीन मोस्टली सक्सेसफुल. तो 2.0 मतलब सेकंड वर्जन जो होता है उसका अभी रिलीज किया जाएगा. दिस वीक इट इज गोइंग टू बी रिलीज बाय इंडियन नेवी स्वावलंबन 2.0. युद्ध अभ्यास इज अ बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? युद्ध अभ्यास का दिस गोइंग टू बी दिस 21st वर्जन, अराउंड 18th या 21st वर्जन समथिंग इज देयर. ये इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज देयर है ना, 2021 में इसको लॉन्च किया गया, 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था, है ना? सो इट इज मे बी अराउंड 21st वर्जन शायद इसका होगा, और ये भारत और यूएस के बीच की एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, राइट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज रिसर्च वेसल दैट इज शेड्यूल्ड टू विजिट श्रीलंका इन अक्टूबर 2023? इफ यू रिमेंबर यस्टरडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस मेंटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे, तब दिस कंप्लीट आर्टिकल कंप्लीट पैसेज वाज देयर, और हमने ऐसे इतना से डिस्कस किया था कि अर्लियर देयर वाज वन शिप जो पिछली बार आया था, और अब फिर से इस बार एक शिप वहां पर लाया जा रहा है जिसका भारत द्वारा तो विरोध किया ही गया, इवन यूएस हैज कन्फ्रंटेड दिस थिंग, प्रोटेस्ट किया गया है. तो इट इज गोइंग टू बी इन श्रीलंका इन अक्टूबर, इस मंथ यहाँ पर आने वाला है. इट इज गोइंग टू बी हियर फॉर अराउंड 80 डेज, 80 दिन तक यहाँ पर रहने वाला है. इट इज सो कॉल्ड रिसर्च वेसल उसको कहा जा रहा है, एंड दिस नेम इज शी यान. मैंने कल आपको डिस्कस बताया था, शी यान इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल, दिस शिप इज कॉल्ड शी यान. ओके, कमिंग आउट टू क्वेश्चन नंबर 27, 25th ऑफ जो सितंबर होता है वह अंत्योदय दिवस की तरह मनाया जाता है ना. पीएमओ द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इवन ईयर 2015-14 में इसको लॉन्च किया गया था. अब आपसे यहाँ पूछा गया है विच ईयर, मतलब किस साल में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी जन्म बर्थ एनिवर्सरी जो होती है उस दिन इसको मनाया जाता है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे मुगल सराय जंक्शन जो कर दिया गया था, बिकॉज उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मुगल सराय जंक्शन पर हुई थी, राइट? किस साल में ये नाम परिवर्तित किया गया था, इन विच ईयर द नेम वॉज दिस ओवरऑल रीनेमिंग जो होती है ना, रिक्रिएशन जिसको कहा जाता है, वो किस वर्ष किया गया था? विच ईयर दिस वॉज रीनेम्ड एज मुगल सराय जंक्शन, जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पर उसको कर दिया, सॉरी मुगल सराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया. तो विच ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, इन विच ईयर इट वॉज रीनेम्ड? तो 2014 में दो पीएम मोदी द्वारा ये पर्टिकुलर डे डिसाइड किया गया, अंत्योदय दिवस बोला गया, सितंबर 25 जो होता है 2014 में लॉन्च किया गया था, मतलब डिसाइड किया गया था. 2015 में दीनदयाल उपाध्याय योजना, दिस अंत्योदय योजना लॉन्च की गई थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसको बोलते हैं. देन इन ईयर 2018 दिस मुगल सराय जंक्शन वॉज रीनेम्ड एज दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पर इसको कन्वर्ट किया गया था, मतलब रीनेम किया गया. 2018 शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर हियर. दिस मणिपुरी एक्ट्रेस सोमा लेशनाम हैज बीन बैंड फॉर सम इयर्स फ्रॉम मणिपुर फ्रॉम एक्टिंग एंड अटेंडिंग द सोशल फंक्शंस, क्योंकि मणिपुर वाज गोइंग थ्रू दिस इशू मतलब दिस वायलेंस वाज गोइंग ऑन ओवर देयर, दिस पर्टिकुलर कंसर्न वाज देयर. उस ताल्लुक में पीपल वर टोल्ड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट्स आउटसाइड द स्टेट, बट दिस लेडी दिस एक्ट्रेस वेंट ऑन टू पार्टिसिपेट इन दिस वन पर्टिकुलर इवेंट आउटसाइड स्टेट, एंड शी हैज गिवन वैलिड रीजन फॉर इट, है ना? बट स्टिल शी हैज बीन बैन फॉर सम इयर्स, कुछ वर्षों के लिए उनको वहां पर बैन लगा दिया गया कि शी इज नॉट गोइंग टू एक्ट इन मूवीज एंड अटेंडिंग द सोशल फंक्शंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स. 3 वर्षों का इन पर बैन लगाया गया, 3 ईयर बैन
ऑन दिस एक्ट्रेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ फैशन परेड। मतलब इनके द्वारा ये क्लैरिटी भी दी गई थी कि इट वाज जिसको बोलना चाहिए इट वाज फॉर नो सम इंटेंशन जो इसका इनका ऐसा नहीं था, बट स्टिल उन पर ये जो KKL होता है दिस कानबा लैब जिस पर्टिकुलर ग्रुप इज देयर मैतेई ग्रुप बेसिकली जो होता है उनके द्वारा इन पर 3 महीनों सॉरी 3 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि शी हैज शोन डिसरिस्पेक्ट टू द विक्टिम्स ऑफ ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस फैशन परेड, राइट। इवन आफ्टर शी वेंट ऑन फॉर गिविंग द प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर इट शी हैज मतलब उनको स्पैन नहीं किया गया, उनको 3 साल का उन पर बैन लगाया गया। वॉट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है, वॉट इज कार्टोग्राफी? न्यूज में इसलिए है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन मसूरी में दिस कार्टोग्राफी म्यूजियम एक ओपन किया गया है, तो फॉर दैट रीजन इट इज इन न्यूज। वॉट इज कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग मैप्स है ना, साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप जो होता है उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। इट वॉज इन न्यूज बिकॉज जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है वह मसूरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे डेट इज 27th ऑफ दिस सेप्टेम्बर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे था उस दिन ये जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है उसको लॉन्च किया गया है फॉर साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग दी मैप, कार्टोग्राफी उसे कहा जाता है। वॉट रोल वॉज द जस्टिस मित्तल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर? जस्टिस गीता मित्तल कमेटी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। आपसे पूछा गया है वॉट वॉज द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस कमेटी, इस कमेटी का पर्पज क्या था, है ना। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी वी आर टॉकिंग बट इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट जस्टिस मित्तल कमेटी, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट जज थी जो पहले, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, राइट। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ थ्री दिस फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस, फॉर्मर फीमेल हाईकोर्ट जजेस, तो उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को क्या कार्यभार दिया गया था, व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी व्हिच वाज गिवन टू द कमेटी? दिस कमेटी वाज मेड रिगार्डिंग द मणिपुर वॉयलेंस, रिगार्डिंग द मणिपुर इशू, और जो वहां पर रिहेबिलिटेशन जो जो कार्य है, जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन जो वर्क है उससे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी। इट वॉज द टास्क वॉज गिवन रिगार्डिंग द रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिस्टोरेशन ऑफ द होम स्टेट रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप इन द मणिपुर, तो उस ताल्लुक में उनको मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो यार आंसर शुड बी सी ओनली, है ना, जस्टिस गीता मित्तल वी आर टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर 31 सेज आफ्सपा इज नॉट इवन पार्शियली अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब अर्लियर दिस आफ्सपा जो था वो करीब करीब पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया था, 1958 में आफ्सपा लाया गया था, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं। इनफैक्ट इसको एक्सटेंड भी किया गया था, इट वॉज देयर इन पंजाब, नो मोर देयर इन पंजाब, बट स्टिल इट इज देयर इन मेनी ऑफ द स्टेट्स, राइट। तो आपसे पूछा गया कौन से स्टेट्स में यह मौजूद नहीं है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज नॉट देयर? देखिए आसाम में अभी एक्सटेंड कर दिया गया, कुछ अभी कल परसों की न्यूज है कि 4 जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आसाम में इट इज स्टिल देयर, 4 डिस्ट्रिक्ट से उसे हटा लिया गया, बट इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इट इज स्टिल देयर। मणिपुर में एक्सटेंड किया गया, तो मणिपुर में कॉन्टेक्ट इशू भी हुआ है कि वहां पर हिली एरियाज में लगाया गया, वहां पर वैली एरियाज में नहीं लगाया गया। जम्मू कश्मीर इशू भी ऑल नो, वहां तो अभी भी आसपा लगा हुआ है, तो कौन बचता है? त्रिपुरा इज द प्लेस, त्रिपुरा इज द स्टेट वेर इन आसपा इज नॉट देयर। इन नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश होता है, आफ्सपा इज देयर, अलॉन्ग विद दिस जम्मू कश्मीर में भी है, राइट। वहां तो रीजन है, उसके अलावा कहाँ नहीं है? तो त्रिपुरा में आफ्सपा इज नॉट देयर, मतलब कई इलाकों में जहां से हटाया गया ना, त्रिपुरा इज द प्लेस जहां से इसको हटा दिया गया है, राइट। देन 32nd क्वेश्चन बोलता है हु एडेड 22nd लॉ कमीशन दैट रिसेंटली मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ कंसेंट। मतलब इनके द्वारा बोला गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट जिसको कम करने का इसको नीचे बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट को इनके द्वारा स्पेसिफिकली बोला गया है कि इट शुड नॉट बी लोअर्ड फ्रॉम 18 से 16 जो कोशिश की जा रही है, सोचा जा रहा था, तो इनके द्वारा क्लियरली बोला गया है कि इट शुड नॉट बी लोअर्ड फ्रॉम 18 टू 16। 18 जो रखा गया है एज ऑफ कंसेंट, इट शुड बी मेंटेन दैट वे ओनली। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ दिस कमीशन, 22nd लॉ कमीशन जिनके द्वारा बोला गया ना इट शुड नॉट बी लोअर्ड, इनमें से कौन इसके हेड है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ 22nd लॉ कमीशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज हेडिंग इट? तो इट इज हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड रितु राज अवस्थी, इज द हेड ऑफ दिस प्रेजेंट 22nd लॉ कमीशन, एंड दे क्लियरली टोल्ड कि द एज शुड नॉट बी लोअर्ड, उसे लोअर नहीं किया जाना चाहिए, राइट। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, भीम भारती एंड चंद्रपुर विलेज जो दो विलेज हैं है ना, दे हैव बीन चूजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज द बेस्ट विलेजेस इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, राइट। अब ये दोनों विलेज किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, है ना, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म के ताल्लुक में इन दो विलेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा चुना गया है ना, दे बीन अवॉर्डेड बेस्ट विलेज
बट देन विच पर्टिकुलर स्टेट दे डू दे बिलोंग टू, दैट हैज बीन आस्क्ड. तो दे दीज टू स्टेट्स बिलोंग टू तेलंगाना, है ना. एंड बेस्ट टूरिज्म विलेज जो इनको बोला गया, इन जनगांव डिस्ट्रिक्ट एक होता है, एक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट दूसरा, दिस फर्स्ट इज पेम्बारती, सेकंड इज चंदलापुर. तो दे बिलोंग टू स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड दीज टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे बिलोंग टू एंड दे आर टर्म्ड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन तेलंगाना में. सबसे बेहतर इनको, मतलब इन ओवरऑल इंडिया मिनिस्टर टूरिज्म के द्वारा इनको चुना गया है, राइट. देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इन नीड रिसीव्ड किडनी ट्रांसप्लांट इन इंडिया इन ईयर 2022. ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जितने लोगों को किडनी की आवश्यकता थी 2022 में, द काउंट वॉज अराउंड 2 लाख पीपल वो आर इन नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट. मतलब जिनको 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 किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया जा सकता है, जिनको रिक्वायरमेंट है उस स्टेज में कि जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट इज द ओनली थिंग विच कैन सेव देम, हेल्प देम. उस ताल्लुक में हाउ मेनी, मतलब विच परसेंटेज जो है ना, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया था, संभव हो पाया था. एंड आपको ऑप्शन देखकर लग रहा होगा कि सर सो लो, राइट, इतना कम. तो ये 1.2, 2.3, 3.4 एंड 4.5 आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू. इनमें से सही ऑप्शन जो होता है वो होता है 3.4% पीपल इन टू ईयर 2022 वर गिवन वन दे रिसीव्ड किडनी ट्रांसप्लांट. रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट. ओवर 2 लाख पेशेंट्स वर इन नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट. कितने दिए गए, अराउंड 7,000 होंगे, दैट वॉज अराउंड 3.5%. केवल 7,000 लोग जो थे ना उनको किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया उनका, तो दैट इज अराउंड 3.4% ओनली, राइट. रिक्वायरमेंट का केवल 3.4% वो कवर हो पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉज हैं वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट होते हैं, उनका रीजन है उनको स्ट्रिंजेंट रखने का. बट हमारे स्वैपिंग और चेन जो होता है, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, द हिंदू का आर्टिकल था, जिसमें स्वैप एंड चेन जो होता है ना, अगर वो अपनाया जाए, उसको बेहतर किया जाए और लीगल उसको बनाया जाए, तो कई ताल्लुक में स्वैपिंग कुछ हद तक लीगल है भी, चेन जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती नहीं है. ये दो ऑप्शन बोले गए थे, इनको अगर फॉलो किया जाएगा तो बेहतर कर सकते हैं. तो यूएस में जो होता है ना, दिस परसेंटेज इज अराउंड 20%, ये दिया हुआ है. इन डेवलप कंट्रीज, स्पेशली अभी आर टॉकिंग अबाउट यूएस, तो यूएस में 20% होता है. मतलब 20% केसेस में देवर गिवन किडनी, देवर दे रिसीव किडनी, राइट. इन आर नेशन दिट वॉज ओनली 3.4%, 7,000 अमंग आउट ऑफ 2 लाख रिक्वायरमेंट जो थी, राइट. तो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी 3.4 ओनली. इन सेप्टेम्बर 2023 इंडियाज पावर रिक्वायरमेंट रीच Which, मतलब कितने सालों में सबसे ज्यादा लेवल पर पावर रिक्वायरमेंट भारत की पहुंच चुकी थी इन ईयर, इन लास्ट मंथ, दैट इज सितंबर 2023 वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इंडिया पावर रिक्वायरमेंट वेंट टू हाईएस्ट, राइट, इन लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों की यहां बात कर रहे हैं. क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन कि पिछले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, सॉरी, दो तो हाई नहीं, 3, 4, 5, 6 आर द ऑप्शन गिवन टू यू. सो कितने वर्षों की हाईएस्ट पावर रिक्वायरमेंट चली गई थी इन ईयर सितंबर 2023. स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द रेन, जो है डिफिशियंट रेन हो रहा है, रेन मतलब वर्षा इतनी हो नहीं रही है, डिफिशियंसी है, और उसके बाद में हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर इशू से इफेक्ट होते हैं, उसके बाद भी देयर वाज अ हायर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर. तो दैट हैपेंड इन ईयर 2023, दैट वाज 5 ईयर्स हाई. कितना, 5 वर्षों का सबसे ज्यादा. सेप्टेम्बर रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड टू रिजन बाय 10 to 12% टू 140 to 142 बिलियन यूनिट्स, हाइएस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स. पिछले 5 वर्षों का हाइएस्ट यहाँ पर अचीव किया गया. क्लियर. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 36, विच माइलस्टोन दिस यूनाइटेड स्टेट्स मिशन इन इंडिया, जो उनके एम्बेसी होती है, जो कॉन्सुलेट यहाँ पर होते हैं, उनके द्वारा एक माइलस्टोन अचीव कर लिया गया. यूएस मिशन इन इंडिया वेंट ऑन टू अचीव दिस वन पर्टिकुलर माइलस्टोन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो दे वेंट ऑन टू प्रोसेस अचीव 1 मिलियन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर ईयर, एक वर्ष का हाइएस्ट. एक वर्ष में 10 लाख लोगों द्वारा अप्लाई किया गया फॉर नॉन इमिग्रेशन वीजा टू यूएस. दैट इज द माइलस्टोन दे वेंट ऑन टू अचीव लास्ट ईयर, है ना. कंपेयर टू 2019 द नंबर ऑफ इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन इंक्रीज बाय ईयर बाय अराउंड 20%. क्लियर. तो यहां पर माइलस्टोन क्या था, 10 लाख लोगों द्वारा अप्लाई किया गया, वो प्रोसेस उनके द्वारा किया गया होगा. तो दैट वॉज द माइलस्टोन दे वेंट ऑन टू अचीव. क्लियर. देन Which city hosted India Smart Cities Conclave 2023? India Smart City Conclave 2023 किस शहर में अभी आयोजित किया गया था? इसमें स्मार्ट सिटी किसको दिया गया? द स्मार्ट सिटी इसमें जो अवार्ड दिया गया था, दैट वॉज गिवन टू इंदौर. एंड इंदौर इज द प्लेस वेर इन दिस वॉज ऑर्गेनाइज, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. तो स्मार्ट सिटी दिस कॉन्क्लेव 2023 वॉज ऑर्गेनाइज इन इंदौर एंड द अवार्ड वॉज गिवन बाय प्रेसिडेंट मुर्मू. अवार्ड इंदौर को यहाँ पर दिया गया. मैंने ऐसे यहाँ पर मतलब आई बिलोंग टू इंदौर ओनली, है ना. द प्लेस विच इज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर लास्ट 6 consecutive occasion. इट इज द स्मार्टेस्ट सिटी यहाँ पर आता है. इट इज लोएस्ट लोअर दिस
एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो इंदौर इज द प्लेस वेर इन दिस अवार्ड वर ऑर्गेनाइज, दिस कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, राइट, 25th या 26th सितंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया, 27th to 27th, राइट। देन विच वॉट बायोलॉजिकल अडॉप्शन हैज पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर रिलोकेटेड चीता, जो चीता है ना, कुल 6 चीता जो है ना वो मारे जा चुके हैं, मतलब दे लॉस्ट देम, राइट। और उसमें एक बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है, दैट इज वन दिस पर्टिकुलर अडॉप्शन जो होता है, जो बायोलॉजिकल अडॉप्शन जो अक्वायर कर लिया जाता है बाय दीज चीतास। यहाँ पूछा गया विच पर्टिकुलर बायोलॉजिकल अडॉप्शन दैट इज रिजल्टिंग इन द डेथ बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, उसके कारण जो होता है, उस बायोलॉजिकल अडॉप्शन के बारे में यहाँ पूछा गया, विच अडॉप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, किस अडॉप्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो चीता जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो विंटर सीजन जब आता है, तो ठंड से बचने के लिए उनके द्वारा दिस विंटर कोट जो होता है ना, वो एक कोट जो उनके द्वारा अक्वायर कर लिया जाता है टू सेफ गार्ड देमसेल्फ फ्रॉम द विंटर सीजन। बट दिस सेफ गार्ड जो उनका होता है ना, दिस कोट, विंटर कोट जिसको बोलते हैं, जब समर आता है, जब मॉनसून आता है, जब हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑन अ हायर साइड होता है, तो दिस कोट जो होता है ना, इट रिजल्ट इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ दी दिस ह्यूमिडिटी, और उसके बाद में इसके कारण वहां पर उन्हें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन से वो बच नहीं पाते हैं। तो दिस वन मेन चैलेंज ऑफ चीता फेस वर बायोलॉजिकल अडॉप्शन टू फॉर्म विंटर कोट, एंड दिस कोट ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून सीजन जो होता है ना, वहां पर इट बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब वो अपने आप में डेट्रीमेंटल, अपने आप में हानिकारक जो है वो सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो बच नहीं पाते हैं। तो दैट इज दिस विंटर कोट वी आर टॉकिंग अबाउट, दी अडॉप्शन की हम बात कर रहे हैं। देन हु हेड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, क्यों न्यूज में है ये स्टैंडिंग कमेटी द्वारा, अभी ये बोला जा रहा था कि जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, राइट, उसको सोच समझ के इंप्लीमेंट करना चाहिए, टेकिंग इंट अकाउंट ऑल दी स्टेक होल्डर्स, बिकॉज वो सिस्टम अपने आप में, उसमें ये क्लैरिटी नहीं होगी कि हाउ वट इज द इंटेक ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट जो है वो एक साल में पढ़ने वाले हैं, उसका अंदाजा लगाना अपने आप ही मुश्किल होगा। तो किसके द्वारा बुलाया गया, तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन की होती है, उनके जो अध्यक्ष हैं विवेक ठाकुर, तो ही वेंट ऑन टू कंफर्म ही इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, एंड ही टोल्ड कि ऑल द स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना, दे शुड बी कंसल्टेड बिकॉज बिफोर द मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम इंप्लीमेंटेड, विच इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें क्या होगा, उसमें आप पहले साल में अगर ग्रेजुएट, मतलब पहले साल में छोड़ते हैं तो यू गेट सर्टिफिकेट, दूसरे साल में छोड़ते हैं तो गेट डिप्लोमा, थर्ड में छोड़ते हैं तो गेट डिग्री, और बाद में इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो है क्रिएट किया गया, बट इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट को ये कंफर्म करना मुश्किल होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग दे मे लीव नेक्स्ट ईयर या सम मे ज्वाइन इन बिटवीन। सो दिस ओवरऑल जो उनके द्वारा इंटरप्रिटेशन, मतलब उनके द्वारा ये कंफर्म नहीं किया जाए, देखा दे वोंट बी एबल टू एंटिसिपेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन द सिस्टम, सो दैट इज द रीजन दे हैव टोल्ड कि इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कस बिफोर इंप्लीमेंटेशन। किसने बोला है, विवेक ठाकुर बीजेपी एमपी एंड द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन। विच कंट्री टॉप्ड 2023 वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, किस देश द्वारा इसको टॉप किया गया, भारत की इसमें रैंक जो है वो 56 आई है। हमने पूछा है कि किस विच कंट्री वेंट ऑन टू टॉप दिस इंडेक्स, लग्जमबर्ग बेल्जियम स्विट्जरलैंड नीदरलैंड्स आर द 4 ऑप्शन गिवन टू यू, विच कंट्री वेंट ऑन टू टॉप द इंडेक्स, किनके द्वारा इस इंडेक्स में टॉप किया गया, मतलब सबसे बेहतर कंट्री जिसको बोला जाए, फर्स्ट रैंक जिसकी आई है, तो इट इज स्विट्जरलैंड विच गॉट दी टॉप रैंकिंग है ना इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। और भारत की रैंक जो है वो 56 है, और भारत की रैंक जो है वो कम हुई है, मतलब 4 स्पॉट जो है वो 52 से 56 पर हम यहाँ पर आ गए। तो आर आंसर हियर शुड बी स्विट्जरलैंड टॉप रैंकिंग नेशन, एंड इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 56, अ ड्रॉप ऑफ 4 रैंक्स हियर, है ना, सो दिस शुड बी सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, जो कि दिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया था। तो वी गॉट अ रैंक ऑफ 40 हमारी यहाँ रैंक है, जो कि हमने 2015 में 81 81 वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2015, जिससे बेहतर करके नाउ वी हैव गॉट अ रैंक ऑफ 40, तो वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग बेटर इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, ये रैंक यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ हमारी जो आंसर है इट शुड बी 40 ओनली। देन हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर लिस्टेड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, है ना, जो टाइम की रैंकिंग होती है, एजुकेशन रैंकिंग जब बात करते हैं, हमारे देश की कितनी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसका हिस्सा बने हैं, तो यू गॉट द करेक्ट आंसर एज 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज आर पार्ट ऑफ दिस टाइम्स हायर रैंकिंग, 20 जो इसका एडिशन है उसमें अभी तक की हाईएस्ट 91 रैंकिंग यहाँ पर, 91 कंट्री जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, इसे कहा जाता है। इसमें सबसे टॉप रैंकिंग जो होती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज गॉट द टॉप रैंकिंग दिस, तो हियर करेक्ट आंसर शुड बी 91 इंडियन
इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटी जो है वो इसके हिस्से वहाँ पर है। उसमें हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ISC बैंगलोर इज एट द टॉप रैंकिंग, जो कि 201 से 250 का जो ये दिस ग्रुप होता है बेसिकली, वो उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट। देन व्हेन डिड परसिवरेंस लैंड ऑन मार्स? परसिवरेंस जो है ना वो रोवर है, उनके द्वारा भी एक रिकॉर्ड कायम किया गया अबाउट अबाउट द एरिया दिस लेंथ कवर्ड बाय परसिवरेंस रोवर ऑन द मार्स। जैसे हम रोवर की बात करते हैं, प्रज्ञान रोवर हमने देखा था चंद्रयान के थ्रू जो हमने वहां लॉन्च किया था, तो चंद्रयान के थ्रू वहां प्रज्ञान रोवर भी सेंट। सिमिलरली देयर इज अदर रोवर ऑन मार्स व्हिच वाज सेंट बाय नासा, परसिवरेंस रोवर उसको कहा जाता है। इट इज क्रिएटेड रिकॉर्ड ऑफ ट्रेवलिंग द लॉन्गेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के द्वारा भी कवर किया गया, रिकॉर्ड कायम किया गया है। आपसे सिंपली पूछा गया है कि किस वर्ष में परसिवरेंस को लॉन्च किया गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर परसिवरेंस वॉज लॉन्च्ड। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इट वॉज लॉन्च्ड? इट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2021 इज अगेन आर करेक्ट आंसर। सो परसिवरेंस लैंडेड ऑन मार्स इन ईयर 2021, क्लियर। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेनु इज दिस एस्ट्रॉइड जिसको कहा जाता है, तो बेनु एस्ट्रॉइड जो है वहां से अभी कुछ समय पहले दिस वन रॉक डस्ट जो है वहां से लाई गई है, उसकी स्टडी हमारे द्वारा की जा रही है, मतलब इट वॉज ड्रॉप्ड ऑन द प्लेनेट रिसेंटली ऑन 30 सितंबर समथिंग। अब यहाँ पर ही बोला गया है कि किस पर्टिकुलर ईयर, मतलब किन पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दिस बेनु जो अपने आप में एस्ट्रॉइड है इट में हिट द अर्थ, किस साल किन किस दरमियान किस पीरियड में इट इज गोइंग टू हिट, तो दैट इज द आंसर। बेटा राम्या, वी आर गोइंग टू एट द बिफोर द एग्जामिनेशन विल बी हैविंग सेशंस वेर इन विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक दिस स्कूल के टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, तो विल कम अप विद द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स, इंपॉर्टेंट डेज, एंड लाइक वाइज वी मे हैव सम सेशंस इन टाइम टू कम, सो देयर इन विल कम विद दिस। तो यू आर आस्किंग दैट विल टेक मे बी सम मंथ और सम 30 डेज डाउन द लाइन विल बी हैविंग सम सेशन, और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट रैंक क्या होती है, किसके द्वारा रिलीज की जाती है, भारत की रैंक क्या रही है, टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा रहा है, बॉटम में कंट्रीज कौन से रहे हैं, तो उसमें जो ये इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सारा हम लोग बेसिकली जो बड़े इंपॉर्टेंट दिस रैंकिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन देयर शॉर्टली इन मिन टाइम टू कम, ओके। सो होपफुली दैट्स गोइंग टू हेल्प। यहाँ पर पूछा गया था किन वर्षों के दरमियान बैनू जो एस्टोराइड है वह हिट कर जाएगा अर्थ को, तो बिटवीन ईयर 2178 टू 2292 टू 90 2178 के बीच में दिस बैनू एस्टोराइड में कोलाइड विद द अर्थ, और इसी ताल्लुक में जो डस्ट और जो वहां से रॉक्स लाए गए ना उसकी स्टडी की जाएगी, तो वी मे बी एबल टू सेफ गार्ड अर्थ बाय स्टडिंग द डिटेल्स वी अबाउट, राइट, द कंटेंट वी अबाउट। हु वेंट ऑन टू विन इनॉग्रल मोटो जीपी इंडिया जो भी लॉन्च किया गया था, इंडिया ग्रांड प्री जिसको बोलते हैं, मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्री किसके द्वारा जीता गया? दिस इटालियन मार्को बेजसी जो बोला जाएगा, ही वेंट ऑन टू विन दिस इनॉग्रल मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्री, उनके द्वारा भी जीता गया, नोएडा में जो वो बनाया गया ना इंटरनेशनल सर्किट, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वहां पर दिस वॉज ऑर्गेनाइज एंड ही वेंट ऑन टू विन इट। ही इज अ इटालियन, इज एन इटालियन। विच टीम डिड विमेन्स क्रिकेट टीम डिफीट इन फाइनल मैच ऑफ एशियन गेम्स? एशियन गेम्स के ताल्लुक में ना ओनली दिस वन क्वेश्चन आई हैव टेकन, ऑल द अदर्स विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन फर्स्ट, वंस एशियन गेम कंप्लीट्स विल बी हैविंग वन कंप्लीट डिस्कशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। दिस ओनली वन क्वेश्चन यू हैव टेकन फ्रॉम एशियन गेम्स, इट इज रिलेटेड टू आर विक्ट्री इन एशियन गेम्स, द फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स टीम वेंट ऑन टू पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स एंड वी वेंट ऑन टू गेट द गोल्ड मेडल इन दिस, मतलब वी वेंट ऑन टू बिकम द विक्टर इन दिस, वी वेंट टू विन दिस पर्टिकुलर गोल्ड मेडल। अब हमारे द्वारा किसको हरा करके गोल्ड मेडल जीता गया था, मतलब इसमें उपजेता कौन रहा था, तो ऑब्वियसली एशियन गेम्स एशियन कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका को हरा के वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल एंड वी वेंट टू विन मतलब डिफीट देम बाय 19 रन। 47 क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी इंडियन वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश वर डिनाइड एंट्री इन ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन चाइना, जिसके बाद में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा वहां पर मतलब उनकी जो विजिट होनी थी उसे कैंसिल कर दिया गया था, है ना। तो एशियन गेम्स का ही क्वेश्चन है, इट इज अगेन टू हाउ मेनी इंडियन वुशु प्लेयर्स वर डिनाइड एंट्री, मतलब उनका वीजा वहां एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको जो सर्टिफिकेशन दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, दे कुड नॉट पार्टिसिपेट, दे वर डिनाइड एंट्री इन एशियन गेम्स बाय चाइना। तो हियर इन देवर थ्री प्लेयर्स इन दिस नेम्स हैव बीन गिवन ओवर हियर, दीस थ्री प्लेयर्स वर द वुशु प्लेयर्स हु डिनाइड एंट्री इन चाइना, दे बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना द्वारा क्लेम किया जाता है, जो कि हमारा हिस्सा है, बट दे कीप क्लेमिंग इट। पिछली बार इन इन जो दिस प्लेयर्स वर देयर उनको वहां पर स्टेपल वीसा, टेम्पररी वीसा एक तरीके से वहां पर दिया गया था, राइट। सो हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल।
देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन प्लेयर कैटेगरी. फर्स्ट एशियन टू बी नॉमिनेटेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम इज मिस्टर दिस लिएंडर पेस जो है, बेस्ट प्लेयर, अबी 50 की एज इनकी हो चुकी है. ही हैज बीन नॉमिनेटेड एज द हॉल ऑफ फेम फर्स्ट एशियन प्लेयर, है ना. महेश भूपति, लिएंडर पेस, वन बापन्ना, रमेश कृष्णन, ये सभी हमारे दिस इंडियन प्लेयर रहे हैं, है ना, सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर रहे हैं. और इनमें से लिएंडर पेस हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता गया था इन ईयर 1996, अटलांटा ओलंपिक्स में इनके द्वारा मेन सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था. ही वॉज पार्ट ऑफ सो मेनी ग्रेट सक्सेसेस इन टर्म्स ऑफ डेविस कप, इनके द्वारा डेविस कप डबल्स में 43 विक्ट्रीज, रिकॉर्ड विक्ट्री इनके द्वारा की गई है. ही वेंट ऑन टू विन सो मेनी ग्रैंड स्लैम्स, जो डबल्स में इनके द्वारा ग्रैंड स्लैम कई से जीते गए हैं. ही वेंट ऑन टू पार्टिसिपेट विद सो मेनी दिस मशेद महेश भूपति, मार्टिना वोराटिलोवा, मार्टिना हिंगिस, इन लोगों के साथ में दिस इसको बोलना चाहिए डबल्स में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और कई सारे मेडल जीते गए. सो हियर इन वी आर टॉकिंग अबाउट लिएंडर पेस, जिनको एशिया के द फर्स्ट पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द टेनिस हॉल ऑफ फेम. 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. विंटर एक्शन प्लान, 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान जो अभी लॉन्च किया गया था, किस स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना. अभी क्वेश्चन पढ़ के अगर आप जज करते हैं ना, उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, तो आपको लगता है विंटर एक्शन प्लान की बात की जा रही है. बट दिस विंटर एक्शन प्लान इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर द एयर पॉल्यूशन. तो मोमेंट आई से एयर पॉल्यूशन, द आंसर शुड बी दिल्ली ओनली, है ना. तो ये दिल्ली द्वारा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, अरविंद केजरीवाल द्वारा इसको लॉन्च किया गया. 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू डील विद द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, है ना. जो सिमिलर लास्ट ईयर जो अनाउंस किए गए थे उन्हीं मुद्दों पर इसको फिर से बताया गया. तो यहाँ पर 15 पॉइंट प्लान लॉन्च बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, और जैसे दिवाली नजदीक आएगी वैसे दिल्ली के पॉल्यूशन की बात बढ़ती जाएगी, तो उस ताल्लुक में यहाँ पर इसको भी लॉन्च किया गया. विच टाइप ऑफ कुकीज, इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. जो कुकीज होती हैं, जो कई बार आप जब आप नेट ब्राउज कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर आप काम कर रहे होते हैं, तो कुकीज आर देयर, वहां पर आपको एक दिस नोटिफिकेशन आता है, आई शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, ये चुनना एंड ऑल. तो वो कुकीज बेसिकली ना वहाँ पर आपको भेजी जाती हैं वेन एवर यू आर ब्राउजिंग द नेट. और कुकीज का बेसिकली वो होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो होता है ना ओवरऑल नेट पर, उसे बेहतर कहता हूँ. दैट इंटेंशन बेसिकली इज देयर कि दे आर गोइंग टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर, दे आर गोइंग टू ट्रैक योर एक्टिविटीज, एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू बेटर सर्विसेज एंड ऑल. दैट इज द बेसिक इंटेंशन, मतलब जो जेन्युइन इंटेंशन वहाँ बोला जाता है. बट कुकीज कैन बी डेट्रीमेंटल इफ दे आर ट्रैकिंग योर डिटेल्स, दे मे बी गिविंग टू समबडी एल्स एंड ऑल. तो वो कुकीज उनको कहा जाता है कि दे आर द स्मॉल कोड बेसिकली वेन which are being offered to you या which are being like forced upon during your internet this journey, तो उन्हें cookies कहा जाता है. और ये कई तरीके की होती है, तो उसमें चार ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए. which type of cookie vanishes once the browsing session ends, तो persistent cookies they stay there, session cookies जैसे session over होता है वैसे they are job done and they are vanished, right? secure cookies होती है, encrypted होती हैं. थर्ड पार्टी कुकीज जो होती हैं when you are browsing some particular website, और वहां पर थर्ड पार्टी कुकीज का आपको कई बार ऑफर दिया जाता है. तो यहाँ पर सेशन कुकीज आर द कुकीज जो कि केवल सेशन कंप्लीट हुआ एंड दे विल वैनिश फ्रॉम योर सिस्टम, तो उन्हें सेशन कुकीज यहाँ पर कहा जाता है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सेशन कुकीज होना चाहिए. वन आर्टिकल वाज इन द हिंदू, वहां से क्वेश्चन ये लिया गया था, राइट. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. वी कंक्लूड आवर टुडेज डिस्कशन हियर. होपफुली यू विल फाइंड, यू मस्ट हैव फाउंड इट यूजफुल इनफ, बेनिफिशियल इनफ. अब आपका जो स्कोर इसमें आया है, इफ यू ट्रैक योर स्कोर, आपने देखा है, तो उसमें आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं. तनिष बैटमैन गॉट 39 आउट ऑफ 50, तनिष गॉट 36 आउट ऑफ 50. अदर्स इफ यू काउंटेड योर स्कोर, यू कैन शेयर योर स्कोर ओवर हियर. आवर नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक. तो आई मस्ट टेल यू, ऑन ट्यूजडेज वी हैव गॉट दिस मेंटी क्विज व्हिच वी टेक ऑन द हिंदू बेस्ड मेंटी क्विज होता है. हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं. द विनर्स आर गिवन द अवार्ड्स, द बुक्स आर गिवन टू यू. ऑन वेंसडे वी टेक दिस क्लैट जीपीटी ओवर हियर, एंड दिस इट इज रिलेटेड टू 50 एमसीक्यूज जो होते हैं, उन पर हम डिस्कशन यहाँ कर रहे होते. तो एवरी वीक ऑन ट्यूजडे 8 o'clock एंड वेंसडे 8 o'clock वी मीट हियर फॉर अ डिस्कशन, राइट. होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी ऑन ट्यूजडे एंड देन वेंसडे अबाउट द क्विज वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द वेरियस डिस्कशंस वी हैव ऑन आवर डेली डिस्कशन ऑन द हिंदू, दैट इज देयर एवरी डे एट 11 o'clock इन मॉर्निंग, ओके. तो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेस डिस्कशन. नेक्स्ट वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक किया जाएगा, यस, ट्यूजडे एंड वेंसडे. क्लियर? So thank you very much to every one of you. We are going to meet next week. Night to everyone. Thanks a lot.